अच्छा, ये बीबीएफ ज्योति गुप्ता जो 8 जुलाई को इसका जन्म हुआ शिवम हॉस्पिटल में, शिवम हॉस्पिटल में जन्म के बाद हमारा विजिट हुआ, विजिट के बाद देखे बच्चा को सांस लेने में दिक्कत है, तो यूजुअली सांस लेने में दिक्कत होता है तो हम लोग एडमिट करते हैं, एडमिट करके देखे यहाँ, तो हम लोग राइल्स ट्यूब लगाते हैं जिसको फीडिंग ट्यूब भी बोला जाता है, तो फीडिंग ट्यूब डाले, फीडिंग ट्यूब जा ही नहीं रहा था, तो फिर हम लोग सस्पिशियस हुआ कि इसका आहार नली और सांस नली एक है, जिसको हम मेडिकल टर्म में ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। अब इसका इलाज मेडिकल में हमारे पास दवाइयों के थ्रू नहीं होता है, तो हमने फिर सर को बुलाया, डॉक्टर अशोकनंद ठाकुर सर जो हमारे बगल में बैठे हैं, सर को बुलाया, सर से कन्फर्मेशन लिया गया, तो इन्होंने बताया कि संजीव है, इसको TEF है, ट्रैकियोइसोफेजियल है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इसका आउटकम की बात हुई, पैसे की बात हुई, ऑपरेशन चार्जेज, ये सब कोई मैटर नहीं कर रहा था, बस मैटर कर रहा था कि हमारे पास जो गार्जियन है, ये गार्जियन कंसेंट देते हैं कि नहीं, क्योंकि आउटकम तो है इसका अच्छा नहीं है आफ्टर ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव। तो फिर इन्होंने सहमति दिया कि नहीं, हम ऑपरेशन करवाएंगे, फिर इनसे सहमति लेके ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव ही मेनली परेशानी होती है, कई बार टाका खुल जाता है, कई बार बच्चे को वो अंदर एस्पिरेट कर लेता है, तो सो मेनी प्रॉब्लम ऑन वेंटिलेटर। बच्चा 7 दिन वेंटिलेटर पे रहा, उसके बाद धीरे धीरे इसको वेंटिलेटर से विन ऑफ किए, बच्चा आज फाइनली हम लोग डिस्चार्ज किए, आज बच्चा हमारे पास आया दो महीना बाद इसका, अभी हमने जो अभी देख रहे थे, इसका नेक होल्डिंग वगैरह है बिल्कुल ठीक है, माइलस्टोन्स बिल्कुल ठीक है, अप टू डेटेड है, जितना 2 महीने में होना चाहिए। आसान भाषा में समझा दीजिए, हाँ, क्या जटिलता थी और किस तरह अनोखा ये प्रॉब्लम? जटिलता यही थी कि इसका सांस नली और आहार नली अंदर एक था, जिसको ऑपरेशन के तहत ही उसका इलाज था, ऑपरेशन के अलावा कोई भी इसका इलाज नहीं था। बाकी सर बताएं, ऐसे बच्चे को जो बीमारी होती है ना, उसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल एट्रेसिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। उसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो पाउच रहता है, ऊपर वाला जाकर के बंद हो जाता है और उसका नीचे वाला हिस्सा जाकर के सांस के नली से जुड़ जाता है। तो तकलीफ इसमें यह होती है कि बच्चा जो थूक रहता है वो धीरे धीरे करके अंदर में एस्पिरेट करके लंग में चला जाता है। तो ऑपरेशन भी जटिल है, ऑपरेशन के दौर बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर वहीं हो सकता है जो बहुत ही अच्छा जगह हो, जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा हो, राउंड द क्लॉक पेडियाट्रिशियन, इफिशियंट पेडियाट्रिशियन हो, सिर्फ सर्जरी करना और से बच्चे का आप सर्वाइवल आप इसमें नहीं डिनोट कर सकते हैं। तो एक तो बीमारी रेयर है, ऊपर से बीमारी डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन विथ पोस्ट ऑप केयर। तो हम लोगों ने इसको ऑपरेशन पोस्ट किया, इसमें हम लोग थोरेक्स को ओपन करते हैं, एब्डोमिन थोरेक्स, और जो सांस से नली से जो आहार नली जुड़ी हुई थी उसको अलग करके, जो ऊपर वाला जो बंद पार्ट था उसको ओपन करके दोनों को जोड़ा गया। उसके बाद इसको हम लोगों ने वेंटिलेटर पर रखा। वेंटिलेटर पर रखने के बाद बहुत बार इसका एक बीच में वेंटिलेटर पर रहता है बच्चा, तो कभी उसका सांस रुकने लगता है या ट्यूब ब्लॉक होता है। बहुत बार रात में ये आए हैं और रात में 2 बजे भी आकर के उसको देख करके उसको ट्यूब वगैरह ठीक किया गया है। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसके निकलने के बाद जो हमने नली जोड़ा है वो जुड़ा कि नहीं, वो 6 दिन 5 से 6 दिन लगता है जुड़ने में। वो जुड़ जाने के बाद लगता है कि बच्चा दूध पीने लगा कि नहीं, तो वेंटिलेटर से निकला और बच्चा दूध पीने लगा, और अभी आप देखे होंगे कि बहुत अच्छे से कड़ाई भी है, नॉर्मल ग्रोथ है। ऐसा रहता है कि बेहोश पड़ा, इसका बेहोशी का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप न्यूबॉर्न बच्चे को जिसमें इतना बड़ा डिजीज है, उसकी ये तो डिजीज दिख रहा है लेकिन एक साथ और भी चीज़ें होती हैं, जिसमें कभी कुछ में कार्डियक का प्रॉब्लम रहता है, कुछ में रीनल का प्रॉब्लम रहता है, एक साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम रहता है जो हम लोग को दिखता नहीं। जब हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं, जब बेहोश करते हैं, जब वेंट पे डालते हैं, तब वो ओवर्ट होता है। तो वो सारी चीज़ों से निकलते हुए बच्चा अच्छा से गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि सर्जरी प्रॉपर हो, एनेस्थीसिया इसमें प्रॉपर दिया जाए ताकि बच्चा टेबल से, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर, NICU एक्सलेंट हो, एक्सलेंट NICU रहेगा तभी बच्चा निकल सकता है, नहीं थोड़ा भी इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ा भी कुछ हो जाए तो आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे पूरे टीम से साथ हम लोग किए और सारे लोग पूरे डेडिकेटेड थे, एनेस्थीसिस्ट भी हम लोग के साथ में हैं, तो इतने छोटे बच्चे को एनेस्थीसिया दिए हैं, और सर हैं जो पेडियाट्रिशियन थे, हम बीइंग अ सर्जन पेडियाट्रिक सर्जन हमें, तो हमने सर्जरी किया था, हम लोग का NICU टीम और पूरा का पूरा NICU टीम इस बच्चे के लिए। सक्सेस रेट क्या होती है आमतौर पर, ये बताइए? आमतौर पर देखिए उतना स्टैटिस्टिक तो नहीं कह सकते, बट इट इज सर्वाइवल बहुत कम है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप जाएंगे ना, तो इसका सर्वाइवल बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें हर लेवल पे केयर की जरूरत, लेस देन 50% नहीं, लेस देन 30-20%। देखिए हम लोग के पास टर्न अप, तो चूंकि अब हम लोग यहाँ पटना में हैं, बहुत से बच्चे वहीं पे कह देते हैं कि बच्चा नहीं बचेगा, बहुत खर्चा होगा,
अदरवाइज इंसिडेंस ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि इंसिडेंस बिल्कुल ये है, और सर्वाइवल हार्डली 20-30% रहता है, उससे ज़्यादा सर्वाइवल नहीं होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इस ढंग का डिफिकल्ट डिजीज भी अच्छे से बच्चा निकलता और माँ का भी दूध पी रहा है, और आप देखेंगे कह नहीं सकता कि इसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इतना दिन मिल जाएगा। जब भी बच्चा एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में ही हम लोगों को डायग्नोसिस था, एक शक था कि ये बीमारी होगी, इसलिए डिलीवरी के समय ही डॉक्टर संजीव को बुलाया गया था ताकि नथिंग कैन बी डन, इस बच्चे के लिए पेट के अंदर कुछ नहीं किया जा सकता है, जो भी उसका सर्वाइवल है, जो भी थोड़ा बहुत चांस है वो जन्म के बाद ही है। तो इसलिए डिलीवरी के समय सर को बुलाया गया, इमिजिएटली सर फिर टेकअप किए गए, सर बहुत अच्छे से हैंडल किए हैं, एंड इस बच्चे के लिए हम डेफिनेटली नॉर्मल ही चाहते थे, बिकॉज सर्वाइवल का कोई ऐसा बहुत हम लोग कोई गारंटी जिस बच्चे को हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो माँ का पेट भी खुल जाए और बच्चा भी सर्वाइव नहीं करे तो वो बहुत मतलब कि ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री फ्यूचर जो है पेशेंट का वो खतरे पे चला जाता है। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं बच्चा जिंदा स्वस्थ पैदा हो, और फिर आगे जो माँ भगवती चाहती हैं लोगों की मेहनत से, आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छे से ये बच्चा बाहर निकल गया।